सपने से अखियों में गुल मिल जा जल से किरणों ने मुझे चमकाया, कलियों ने पलके खोली, चिड़ियाँ बोली जा रे डोली, जग जाग उठा सारा प्यारा प्यारा इन सब से सुंदर बिटिया प्यारी राज दुलारी मन उजियारी जग से न्यारी प्यारी जब माँ के आंचल से बिटिया मुखड़ा चमकाती मीठी मीठी मुस्काती जब दिखलाती मन बस जाती बाता मुखड़ा प्यारा प्यारा नारा।
ओहो, हमारा कुटुंब तीसरी पीढ़ी तक पहुंच गया। बहू, बिटिया, बिटिया की बिटिया, ये किसकी बेटी है? मेरी। ओहो, और तुम? बाबूजी की और माँ की भी। दीदी बाहर जाड़े में खड़ी कांप रही है, तन पे चिथड़ा नहीं। तुम अपनी लड़की चंपा को समझाते क्यों नहीं? इसी तरह वो पहले दो बच्चे कूट दिए है। उस बिचारी का क्या करते, इसका मालिक ही जोगता होता तो। लेकिन चंपा ने तो अपने मालिक को नहीं चुना, तुम्ही ने तो बिचारी को उस शराबी नाकारे के बल्ले बांध दिया। तो बिटिया मुझे क्या खबर है कि वो ऐसा निकलेगा। तुम फूल तो लो, न लोगी तो तुम्हारे माली दादा का दिल टूट जाएगा। पहले वादा करो कि बच्ची के लिए गर्म कपड़े लाओगे। अच्छा अच्छा, मैं वादा करूं कि गर्म कपड़े लाऊंगा। अब तो लो बिटिया। हाँ अब लूंगी। बड़ी ईरान क्या करूं बेटी, कुटुंबी तो पलटन की पलटन है। गुड़िया बेटी बेटा, बेटी बेटों के बेटा बेटी, बोलो किसको खिलाओ पिलाओ। जब है तो सभी को खिलाना पहनाना होगा। तो मैं बताऊं, बाबूजी से कह के तनख्वाह बढ़वा दो, ज्यादा नहीं, बस 150 रुपए महीना चाहिए बस। हाँ बहुराज ठीक तो है। ओ, बड़ी देर हो गई कॉलेज को। हमारी बिटिया जगदम्बे का अवतार, बालकों पे तो जान दे। भगवान बिटिया को मांग पोक से सदा ठंडी रहे। हमारी निर्मला एक आदर्श माँ होगी। उसका मंगेतर लोकनाथ भी आदर्श पिता हुआ तब तो रहेगी। अपने बच्चों के लिए हो जाए तो मैं नहीं कर सकती, दूसरों के बच्चों के लिए तो वो महाजालिम है। उसकी माँ के मरने से एक दिन पहले मैं उन्हें देखने गई थी। अहाते में पांव धरना था कि बच्चों की दर्द भरी आवाज से कलेजा छिल गया। क्या देखती हूँ कि लोग मारती। निर्मला से मैंने इसका जिक्र नहीं किया, नहीं तो वो लोगों से बात करना भी पसंद न करती। मगर उससे मालूम तो हो जाना चाहिए कि उसका होने वाला पति कैसा आदमी है। सुना नहीं, अभी माली से कह रही थी कि अपनी लड़की के लिए ऐसा खराब पति चुनने का वही जिम्मेदार है। निर्मला लोकनाथ के साथ खुश न रह सकी। क्या करें, मरते दम तक लोकनाथ की माँ मुझसे यही कहती रही कि बचपन में जो लोकनाथ और निर्मला के ब्याह का वादा किया था उसे जरूर निभाना। हमें सबसे पहले निर्मला के सुख का ख्याल करना चाहिए। ये जरूरी है कि निर्मला को उसके योग्य ही वर मिले। हेलो लोकनाथ, अभी तैयार नहीं हुए, आज शिकार को न चलोगे? नहीं, वही कल वो घायल मीर जुल देकर भाग गया था, उसकी टोह तो जरूर लगाना चाहिए। ब्रजनाथ, आज हम मृग की नहीं अपनी मृग नैनी की टोह में जाएंगे। क्यों, क्या वो भी भाग गई? देखो, अरे अखबारों में भी खबर छप गई। खूब खूब, निर्मला देवी यूनिवर्सिटी में अव्वल, तुम तो बहुत खुश हो गए। जी निहायत। क्यों, हाँ तुम खुश क्यों होने लगे, बीबी बीए पास और मियां एफए फेल। ये बात नहीं, दरअसल मैं नहीं चाहता कि निर्मला एमए में दाखिल हो, क्योंकि ऐसी हालत में शादी फिर 2 साल को टल जाएगी। अच्छा, तभी मृग नैनी जी की टोह में जा रहे हो।
माँ तुम जाके आराम करो, पार्टी का इंतजाम मैं कर लूंगी, लड़कियां अब आती ही होंगी। निर्मला तुम्हारा तार। किसका है? लोकनाथ का। अच्छा, आ रहा है। खुद मुबारकबाद देने के लिए आ रहे हैं। मुबारकबाद आके दिर्द करेगा बेचारे को। पास हुई हो यूनिवर्सिटी में? अव्वल। तुमने लड़कियों की नाक रख ली, सब लड़कों से बाजी ले गई। एक लड़का भी तो अव्वल आया है। कौन? अखबार में देखो। देखा क्या? जल्दी लड़कों की तरफदारी की है। औरत मर्द का सवाल है ना, इसीलिए इन्हें अपनी लड़की की कामयाबी पर भी रश्क है। ये बात नहीं। बिल्कुल यही बात है, तुम मानना मत। अच्छा अच्छा, चलो अब लड़कियों को जश्न मनाने दो। क्यों जी, ये रामदास कौन महाशय हैं? मैं क्या जानू? और कौन जाने, साहिब की तरह तुम्हारे साथ हैं या हमारे? बेचारे जानते ही नहीं। तुम्हारे ही कॉलेज के हैं? नहीं, और किसी कॉलेज के होंगे। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। देवियों और सज्जनों, देखभाल कर बात करो, यहाँ कोई देवी नहीं है। हाँ, और ना कोई सज्जन। ठीक है, इसलिए प्यारे काबिलो और नाकाबिलो, यानी के कामयाबो और नाकामयाबो, खूब खूब, चूंकि हमारे दोस्त रामदास की कामयाबी पर मुबारकबाद देने का भार खाकसार के कमजोर कंधों पर लादा गया है, इसलिए लादा नहीं गया, तुम खुद लदे हो, क्योंकि आदत से मजबूर हो। अरे तुम क्यों बसंत में बैसाख नंदन की तरह रेंगने लगे रामदास? तुम इस जलसे के मेहमान हो, इसलिए आखिर में रेंग सकोगे। पहले हमें बोलने दो। सुनो। ठीक है बैठो रामदास, बैठो। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? जी आपका आखिरी लफ्ज था सुनो। वाह क्या पता दिया, आपका सर जरूर बिक। हाँ तो मैं ये कहने की कोशिश में था कि बड़े शर्म की बात है, बड़े फख्र की बात है, यानी कि बड़े फख्र की बात है। उफ रामदास, तुमने बीच में बोल के सब भुला दिया। जाओ अब तुम्हें मुबारकबाद न मिलेगी। यहाँ चाहता ही कौन है, ये भी कोई कामयाबी हुई कि एक लड़की के बराबर। अरे तुझे कामयाबी पर कौन बेवकूफ मुबारकबाद देता है? सुनो, चूंकि इम्तहान में रामदास ने एक लड़की को लड़कों से आगे न बढ़ने दिया, इसलिए ये इनाम का हकदार है। और इस सभा का फैसला है कि दुनिया की सब लड़का जाति में सिर्फ रामदास ही उस लड़की का हकदार समझा जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इस सभा का हुक्म है कि जिस तरह इम्तिहान में ये दोनों साथ रहे, उसी तरह जीवन में भी साथ रहें। ठीक है, ठीक है। वाह, देखा ना भाला, कौन है, कहाँ की है, कैसी है, मैं उस हुक्म को नहीं मानता। मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, जान या न जान जाना ही पड़ेगा, तू जान या न जान जाना ही पड़ेगा। जीवन का
साथी उसको मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। वाह, काली हो तो वासी, काले देव की नवासी, ओ कालिया की अंधी फूहड़ गवार गंदी। तब भी तब भी तब भी मानना ही पड़ेगा, जीवन का साथी उसको मानना ही पड़ेगा। बेनी प्रसाद, निर्मला देवी की कोठी को चलो। क्यों, ख्याल छोड़ दिया? पुलिस से डर गए? नहीं, इस ख्याल से कि तुम्हारी बदनामी होगी। और आपकी नेकनामी। निर्मला, मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। मुझे ख्याल न था कि बात यहाँ तक बढ़ जाएगी। वो तो खैर हो गई, तुमने बात संभाल ली, वरना बड़ी फजीती होती। मुझे माफ करो निर्मला, मैं तुम्हारे घर में मुंह दिखाने के काबिल न रहा। खैर, अपनी करनी अपने साथ, मैं किसी से जिक्र न करूंगी, अपनी आप जाने। नहीं तो अभी ड्राइवर खाली मोटर लेकर वापस आया है, कहता है कि कॉलेज बंद था और निर्मला का कहीं पता नहीं। सच? मैं अभी आती हूँ चाची। निर्मला आ गई बेटी। क्या हुआ निर्मला, कहाँ चली गई थी? मोटर तुझे लेने कॉलेज गई, मगर मैं आज कॉलेज नहीं गई माँ, लोकनाथ जी के साथ शहर को चली गई थी। लोकनाथ के साथ? हाँ माँ। तुमने देखा नहीं उसने किस खूबी से एक पल में मामले का रुख बदल दिया? तभी तो कहता हूँ कोई खामखा किसी के लिए ऐसा नहीं करता, खास तौर से औरत। वो तुमसे खफा थी कि तुम उसे भगा कर ले जा रहे थे, फिर भी उसने तुम्हारी हिमायत की। मैं दावे से कहता हूँ कि वो तुमसे मोहब्बत करती है। काश ऐसा होता। इससे तो यही जाहिर होता है कि निर्मला लोकनाथ को पसंद करती है। और क्या, कॉलेज छोड़ के उसके साथ शहर को गई। अब मेरी समझ में आया। तुम्हें याद है लोकनाथ कहता था कि जब उसने शादी का जिक्र किया तो निर्मला ने कहा माता पिताजी से पूछ लीजिए। हमारी निर्मला बड़ी शर्मीली है और पुराने रिवाजों को बहुत मानती है। चलो एक बात अच्छी हुई, हमने लोकनाथ की मां से जो वादा किया था वह पूरा हो जाएगा। और क्या, और अब निर्मला सयानी हुई, मैं चाहती थी कि इन्हीं सालों में इसका ब्याह हो जाता। अच्छी बात है, मैं पंडित जी को दिन निकालने के लिए बुला भेजता हूँ। आज कॉलेज क्यों नहीं आए? तुमने सारा मजाक किरकिरा कर दिया। कहाँ चले गए थे? कुछ न पूछो, आज बहुत बेवकूफ बने। इसमें नई बात क्या है? रोज ही बनते हो। आज कैसे बने? लंबा किस्सा है, घर बताऊंगा, चलो। और बजाय शुक्रिया अदा करने के मैंने उल्टी उन्हें खरी खोटी सुनाई और सबके सामने बेवकूफ बनाया। जब मुझे इसका ख्याल आता है तो दिल पे सांप सा लौट जाता है, कुदरती बात है। खास वो महाशय थे कौन? न मालूम, कॉलेज के लड़के मालूम होते थे। सज्जन, साहसी, सुंदर, मामला संगीन मालूम होता है। पूरा हाल सुनाओ। किसी से कहना मत, मैं लोकनाथ जी से वादा कर चुकी। मैं तुम्हारे वादे की रक्षा करूंगी, तुम खातिर जमा रखो। न मालूम कौन थी, कहाँ की थी, लेकिन कोई थी जरूर और खूब थी। जी हाँ, कर लीजिए क्या करते हैं आप।
बुरा मत मानो भैया, हम तो समझ रहे थे कि तुम निर्मला देवी को लेकर कहीं भाग गए। निर्मला देवी कौन? जी वही जो बीए के रिजल्ट में आपके साथ नथी थी। हमारे ही कॉलेज में दाखिल हुई हैं। अच्छा? जी हाँ, और ये बात इसीलिए आपसे छुपाई गई थी कि जब आप दोनों अचानक मिले तो जरा लुत्फ रहे। और आप हैं कि एक नया ही गुल खिला है, रोग बसा लाए, तीर खाए और तीर अंदाज का पता ही नहीं। पता मालूम होता तो मैं अभी जाके माफी मांगती और शुक्रिया अदा करती। क्यों नहीं, मगर आंखों में तो तस्वीर उतार लाई हो, जाके पुलिस में हुलिया लिखा दो। हंसी क्यों? पुलिस का नाम सुनते ही मुझे हंसी आ जाती है। जिस वक्त उन्होंने पुलिस का नाम लिया तो लोकनाथ की हालत देखने के काबिल थी। सिक्की गुम हो गई लाला जी, वो तो मैंने रोकथाम कर ली। मानते हैं एक लड़की ने चार चार जवान मर्दों को उल्लू बनाया। लोकनाथ तो तुम्हारा बड़ा एहसानमंद होगा। ये तार उन्हीं श्रीमती जी का तो नहीं जो छप दिखला गया? दीवाना बना के चंपत हो गई। शायद अब तरस आ गया हो। तरस आया या तबीयत आई? चुप माँ का, वो आज रात को वापस आ रही है। देखूं? क्या है क्या है? इसके लिए इसकी माँ ने बनारस में एक खूबसूरत लड़की चुन ली है। भाई ये मामला क्या है, तू ब्याह करेगा या रेवड़ पालेगा? उधर इसकी माँ ने लड़की चुन ली, इधर हमारी सभा का फैसला है कि निर्मला देवी। उधर तूने उस भागने वाली से तुक भिड़ा ली। बताइए गुत्थी कैसे सुलझे? घबराओ मत, कल सुलझ जाएगी। कैसे? जब निर्मला देवी से सामना होगा तो सब होश हरण हो जाएंगे। हाँ सुना है, जैसा गुण है वैसा ही रूप। ये तो वही है। कौन? जिसको छुड़ाने के लिए कल मैं गया था। सच? कहीं शिकायत करने तो नहीं आई? आप निर्मला देवी हैं। इनके बारे में आप लोग बहुत कुछ पढ़ सुन चुके हैं और ये सुनकर आपको खुशी होगी कि अब ये इसी कॉलेज में तालीम पाएंगी। अब मैं रामदास से आपका परिचय करा दूं। अभी उनसे मिली तो नहीं? रामदास जरा यहां आइए। रामदास, निर्मला देवी, इस इम्तहान में तो आप दोनों बराबर रहे, अब देखें अगले इम्तहान में कौन बाजी ले जाता है। मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं, क्योंकि निर्मला देवी और रामदास ने हमारी दरखास्त मंजूर नहीं की, इसलिए अगर इजाजत हो तो मैं ही दो चार टूटे फूटे अल्फाज कह दूं। कहिए, मगर अल्फाज साबित हों, टूटे फूटे नहीं। हाँ, और दो चार से ज्यादा भी नहीं। बहुत अच्छा। चूंकि निर्मला देवी और रामदास इम्तहान में साथ रहे, इसलिए मुनासिब है कि दर्जे में भी एक साथ बैठे। इसका फैसला निर्मला देवी ही करें। Thank you.
अच्छा तो आज मैं इस मसले पर बहस करूंगा कि तारीख यानी इतिहास का हमारे जीवन से क्या संबंध है और ले दे के निर्मला ही हमारी एक बच्ची है। आपको मालूम है किस चाव से हमने बचपन में उसकी सगाई लोकनाथ के साथ की थी। फिर ये चिंता हुई न जाने बड़े होकर ये लोकनाथ को पसंद करेगी या नहीं, सो भगवान ने वो चिंता भी दूर कर दी। अब कृपा करके ब्याह के लिए ऐसा दिन ऐसी शुभ लगन निकालिए कि मेरी निर्मला सदा सुहागवती और पति की प्यारी रहे। देखो बहुरानी, ये लग्न निकाली है, इसी लग्न में सावित्री सत्यवान का विवाह हुआ था। आपको कथा मालूम है, स्वयं काल भी उन दोनों को एक दूसरे से अलग न कर सका। इस लग्न में जिस भाग्यवती का विवाह होगा वो अपने पति के मन से कभी अलग न होगी। लग्न ठीक हो गई? बड़ी अच्छी। देखिए, अरे दिन तो कुछ भी नहीं, बड़ी जल्दी तैयारी करनी होगी। आ गए लोकनाथ, आज तुम्हारे विवाह के लिए दिन ठीक करना है, इसीलिए तुम्हें बुलाया था। बैठो। पंडित जी ने अभी एक शुभ लगन निकाली है, दिन ज्यादा नहीं। तुम यही तो चाहते थे? जी हाँ। निर्मला भी आ जाती तो हम दोनों का आशीर्वाद देके चले जाते। एक और जगह जाना है। अब तक तो आ जाना चाहिए था, कहाँ रह गई? प्रमिला ने कहा था कॉलेज से आते वक्त यहीं जाए पीना, सीधी वहीं चली गई होगी। वही जिन्हें बेवकूफ बनाया था? हाँ। बड़ी झेपी होगी, मेरी आंखें न मिली। दिल के मिल जाने के बाद आंखें नहीं मिला करती। चल। आज खूब गौर से देख के आऊंगी और सब नाक नक्शा तुझे बता दूंगी। ध्यान में रखकर रोज पूजा किया करना। बोल, अब कौन करेगा पूजा, मैं कि तू? जाने कौन, जाने कौन। जरा आंखें तो मिलाओ कट्टो। हट, मुझे घर को देर होती है, तू भी चल, रात को वहीं रहना, बातें करेंगे। बोल, चलती है? चल। हेलो, कौन? हेलो हेलो, तुमने भी सुनी घंटी? जी मैंने सुनी नहीं, बजाई थी नौकर के लिए। क्यों? कुछ नहीं, जरा होटल से चाय। ओह माफ करना, भूल गया। हुजूर। क्या? ओ कुछ नहीं, जाओ। जनाब को ये भूल का रोग कब से लगा है? क्यों? पहली बार जब निर्मला देवी को देखा तो सब भूल भाल के उनके पीछे दौड़े, आज जब वो आई तो इतने भूले कि उनसे बोलना ही भूल गए। सब बोले मगर आपकी जुबान ना खुली। क्या कहता? वही जो आप सोच रहे हो, कहो है ना पते की। क्या कहूं मोती? कुछ नहीं, ये बीमारी ही ऐसी है, इसमें कहा नहीं जाता सोचा जाता है। घबराओ मत,
भाग्य से तुम्हें साक्षात लक्ष्मी मिल गई है, जाते ही घर संभाल लेगी। लो वो आ गई। आओ बेटी, हमने तुम्हारे विवाह के लिए बड़ी शुभ लग्न निकाली है। कमला निर्मला एक ही के दो रूप है, जैसे वो अखंड सौभाग्यवती और पति की प्यारी है, तैसे ही सदा तुम भी रहो। निर्मला का विवाह? हाँ हाँ, लोकनाथ से होगा। शर्माती है। कोई क्या जाने घायल मन के बीर बीर, कोई क्या जाने घायल मन के जब से ब्याह पक्का हुआ है इसका यही हाल है। देखा? जी हाँ, निर्मला इससे खुश होगी। हमने तो यही समझकर लोकनाथ के साथ उसके ब्याह का सवाल फिर से उठाया था। कहीं हमने गलती तो नहीं की? मैं सच बात बतलाऊं? हाँ हाँ बेटी, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। तुम उसकी सहेली हो, तुम्हें उसके मन का हाल मालूम होगा। अगर ये ब्याह हो गया तो निर्मला बिचारी का जीवन रोते ही बीतेगा। लोकनाथ से उसका मन नहीं मिलता। पढ़ी लिखी, रूप गुण स्वभाव की अच्छी, चाची निर्मला और रामदास की राम बनाई जोड़ी है। वो बनारस वाली तो इसके पासंग बिना होगी। और तेरा ख्याल है कि रामदास इसे पसंद करता है? ख्याल नहीं, मुझे अच्छी तरह मालूम है। तब और क्या चाहिए, बहु सुगढ़ और रामदास के मन की सोने में सुगंध। बनारस वाली में है क्या ऐसे लाल लगे हैं? तू मुझे उस लड़की का पूरा हाल सुना। एक शरीफ घराने की लड़की के साथ ये बर्ताव? मैं अभी लोकनाथ के पास जाकर शादी मनसूख किए देता हूँ। देखिए, जो हुआ सो हुआ, अब लोकनाथ से झगड़ा करने में कोई फायदा नहीं। उसे रास्ते से समझा दीजिए। और चाचा जी, उन्हें यह ना मालूम होने पाए कि आप निर्मला के भगाए जाने का हाल जानते हैं। अब तू जाके निर्मला से सब हाल कह दे, उसका मन हल्का हो जाएगा। जा, अभी जाती हूँ। पहले निर्मला के मन की एक और बात बताती जाऊं, सुन के आप खुश हो जाएंगी। क्या क्या सुना चाची? अब जल्दी से ब्याह की बात पक्की कर डालिए। आपको मन की मुराद मिले, रामदास को मन की बहू, और हमें मन भर मिठाई। तू मन के लड्डू फोड़ ले। जो निर्मला के माँ बाप ने बेटी देने से इनकार कर दिया तो? इनकार कर दिया रामदास के लिए? है कोई दुनिया में ऐसा? चाची आपके कहने की देर है, अगर आप टेलीफोन से भी बात करें तो शादी तय हो जाए। नहीं रे,
बिना मिले काम नहीं चल सकता। तो आज ही मिलाइए ना। अच्छी बात है, उनके टेलीफोन का नंबर देख। देखना कैसा, मुझे तो उनका रत्ती रत्ती हाल मालूम है। लीजिए। जी जी, जरा ठहरिए। चाची, रामदास जिनका जिक्र मैं अभी कर रही थी, उनकी माँ है। नहीं रे। हाँ हाँ, आपसे बात करना चाहती है। आइए आइए ना। जी, मैं रामदास की माँ। जी हाँ, मैंने सुना है कि आपकी लड़की इस साल रामदास के कॉलेज में दाखिल हुई है। जी हाँ, और मैं आपसे ये पूछना चाहती थी। जी 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 हाँ, बड़ी खुशी से मैंने आपकी लड़की की बहुत तारीफ सुनी है। और जी हाँ हाँ, जब जी चाहे आइए, आपका घर है। बड़ी कृपा, आज ही किसी वक्त आऊं तो। शौक से। चाय का वक्त हो गया, यही चाय पीजिए और जल्द आइए, चाय ठंडी ना हो जाए। बहुत अच्छा, अभी आती हूँ। धन्यवाद। बड़ी अच्छी है बिचारी। कहाँ चले गए थे रामदास? बनारस टेलीफोन करने के लिए बेचारे मोती को आना पड़ा। हाँ, और उनसे बातें भी करनी पड़ी। मगर हैं बड़ी अच्छी बेचारी, वो बनारस वाली। हाँ हाँ, हजारों बार तो माँ कह चुकी, सुनते सुनते कान भी पक गए। अच्छों को तो अच्छा कहा ही जाता है बेटा, क्यों मोती? हाँ चाची, बड़ी अच्छी है बेचारी। जीता रहे बेटे, तूने मेरे सर का बोझ उतार दिया। कहिए तो इसके सर का भी उतार दूं। अब तुम दोनों सुलटते रहो, मुझे तो एक जगह चाय पे जाना है। अब आते ही होंगी, क्या कहेंगी? आखिर है कौन वो, ये मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। लेकिन चाची की कोई जिगरी सहेली है, जिगरी, और चाय पीने को आ रही है। चल, चलती है कि नहीं? नहीं चलती। तूने माँ और पिताजी से क्यों कहा? मैंने तुझसे कब कहा था कि मैं लोकनाथ से विवाह करना नहीं चाहती? जी आपने तो नहीं कहा, मगर हमने समझ लिया। बड़ी आए समझने वाली, मुझे बहुत शर्म आ रही है। उससे भी ज्यादा जितनी कॉलेज में आई थी रामदास के सामने। चल तू चल, नहीं तो क्या। जिस तरह लोकनाथ की बात कही है, रामदास की भी कह दूंगी। क्या कह देगी, है क्या बात? कुछ नहीं, मगर कहने के लिए काफी है। बोल, उठती है क्या? नहीं उठती, कह दे जाके। नहीं नहीं मेरी मुन्नी, मैं क्यों कहने लगी, कैसी तो जब भी कह देती। चल उठ बड़ी रानी, देख तो ये गुलाब सा चेहरा मुरझा गया। चल मुंह हाथ धो, कपड़े बदल। ये क्या बुरे हैं? मैं ले कुछ ले, तू बड़ी शैतान है। बड़ी तो मैं हूँ, लेकिन शैतान कौन है? या राम जाने या रामदास। ठहर तो कहीं। शायद मुझसे ज्यादा कोई योग्य वर मिल गया है, इसीलिए। नहीं लोकनाथ, मुझे वर तलाश करना पड़ेगा। और तुम क्या कम योग्य थे? तुम मेरे सबसे बड़े दोस्त के लड़के हो। मुझे बड़ी खुशी होती अगर निर्मला के साथ तुम्हारा विवाह हो सकता। लेकिन लेकिन
निर्मला और तुम साथ साथ कभी खुश न रह सकोगे। क्यों? क्योंकि तुम दोनों के मिजाज एक दूसरे से नहीं मिलते। यह आपको अब मालूम हुआ? नहीं, मालूम तो पहले से था लेकिन यकीन हाल ही में हुआ। कैसे? खैर इस बात को जाने दो, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि इस फैसले पर पहुंचना हमारे लिए कोई आसान बात न थी। लेकिन तुम्हें यह सब हाल मालूम कैसे हुआ? बड़ी आसानी से। मेरे पड़ोस में निर्मला देवी की सहेली प्रमिला देवी रहती हैं और उनकी सहेली है मेरी बहन, समझे चोंच? आप नहायत बुद्धू हैं, ये सब तो माना, लेकिन जब मैं बचाने गया तो उल्टा मुझे को क्यों बेवकूफ बनाया? भाई बदनामी से बचने के लिए अगर वो तुम्हारे साथ चली आती तो सारे शहर में ये बात ना फैल जाती कि निर्मला देवी को लोकनाथ भगा ले गया और रामदास छुड़ा कर लाया। हाँ ठीक है, ये बात तो मेरे ख्याल ही में ना आई। कैसे आती? उसके लिए ये दिमाग चाहिए। हाँ? तो ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ लोकनाथ, मुझे यकीन है कि जब तुम ठंडे दिमाग से इस मामले पर विचार करोगे तो तुम भी इसी फैसले पर पहुंचोगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह अब तक हमारे ताल्लुकात बने रहे हैं आइंदा भी बने रहेंगे। जी अच्छा, तो मैं जाता हूं। मैंने आपको कहीं देखा है? या तो मुझे भी पता है। बैठे बैठे नमस्ते। 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 ये निर्मला है और ये इसकी सहेली प्रमिला। अच्छा अच्छा, जीती रहो बेटी, जीती रहो। कहाँ देखा होगा? ठहरिए, आप कभी जगन्नाथपुरी तो नहीं गई? जगन्नाथ? हाँ हाँ, एक दफा तीर्थ को गए तो थे, बहुत दिन हुए। जी हाँ, ये निर्मला इतनी सी थी और आपका एक लड़का भी तो। जी हाँ, रामदास। हाँ, लोकनाथ की माँ और हम लोग समंदर के किनारे ठहरे थे। ठीक है, अब याद आ गया। छोड़ छोड़, टूट जाएगी। नहीं छोड़ गुड़िया। अच्छा हुआ अच्छा हुआ। क्या हुआ क्या हुआ? तोड़ दी। दो मत, मैं अभी बना देता हूँ। देख। हाँ हाँ हाँ, तो इसका बाप नहीं है, यह है। यह है, यह है। रामो और रामदास, ये क्या करता है? ये हट, शैतान कहीं का, अपना ख्याल छोड़ के यहाँ लड़ने को आ गया। माफ कीजिए। नहीं ये? नहीं, बच्चे लड़ाई करते हैं और प्रसाद की जड़ तो यही है। मैं इसके साथ नहीं खेलूंगी, तेरे साथ खेलूंगी। हम आप क्या करेंगे, इन दोनों ने तो पहले ही एक दूसरे को चुन लिया। क्यों रे बिटिया? अरे सुन तो, भाग गई। मुझे आपकी लड़की पसंद है। मेरा सौभाग्य, तब शुभ काम में देर न करनी चाहिए। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं तो खुद चाहती हूँ कि रामदास का ब्याह जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा।
निर्मला की जन्म पत्री से अगले महीने में एक बड़ी अच्छी लग्न निकलती है। अगले महीने में तो एक ही लग्न है और वो रामदास के जन्म पत्र से भी ठीक है। तब तो बड़ा अच्छा संजोग मिला। इस ब्याह पे देवताओं का आशीर्वाद है। ठीक है, देखो। यूं नहीं, घूंघट काढ़ो बहुरानी। हाँ, अब तुम कॉलेज पर नहीं ब्याह को जा रही हो। मगर क्यों, वर माशे भी तो पूरे नहीं रोशनी के हैं। हाँ, सुना है घोड़े की बजाय मोटर पर आ रहे हैं। ना जमा है ना मोहर। तो इन्हें भी मेरे साथ बना, सारी की जगह ताय पहनो। पहनो की साया मेरे साहब। अक्कल मत लली जी, अभी तो बेटी बाप की है। अपनी पर उतर आई तो फिर तुम्हारा ब्याह लोकनाथ से करा दूंगी। लोकनाथ जी ब्याह में शामिल न होंगे? अभी तक आपसे नाराज ही हैं। जी नहीं, पहले मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन अब दूर हो गया। आपने वो भेंट नहीं देखी जो लोकनाथ ने निर्मला के लिए भेजी है? यह किसने भेजा है? भेजा होगा किसी हार वाले ने। दुल्हन से पूछो ना। क्यों दुल्हन जी, क्या जाने किसने भेजा है। अच्छा जाओ, तीन दाव दिए, बताओ तो इनाम पाओ। वो मोहनी, जोहरा, राम प्यारी। ना राम प्यारी ना रामदास। तब लोकनाथ। अच्छा, क्यों नहीं, चोर चोरी से जाए तो क्या हेरा फेरी से भी जाए? जी हाँ, हाथ से निकल गई मगर दिल से तो नहीं निकले। अजय चाहत वाले बड़े गले पड़ होते हैं, हारे लिख दिए। न मानोगी? अजय हमारा मानना न मानना क्या, मानना तो रामदास का है। बाबूजी, बारात रवाना हो गई? जी हाँ, बहुत देर हो, अब पहुँचने ही वाली। नमस्ते बाबूजी। हाँ, ब्रजनाथ और बेनी बाबू तुम आ गए, और लोकनाथ वो क्या है? आ गए लोकनाथ। जी हाँ, आता क्यों नहीं। भैया, ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि अब तुम हमसे नाराज नहीं। तुम्हारे दिल में हमारे लिए वही मोहब्बत है जो पहले। ये आप क्या कर रहे हैं बाबूजी? वो मोहब्बत कहीं जा सकती है? क्या ये जानते नहीं कि इनके पिताजी आपके सबसे बड़े दोस्त हैं? हाँ बैनी बाबू, लोकनाथ तुमने इतनी दिन की भेंट क्यों भेज दी? ये कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, बैठो, तुम्हारा ही घर है। जी हाँ। Thank you.
निर्मला देवी, बाबू रजनीकांत की लड़की? जी हाँ। लेकिन उनकी शादी तो बाबू लोकनाथ से होने वाली थी। जी हाँ, लेकिन बाबू रजनीकांत ने उसे मंसूख करके अब रामदास के साथ तय की थी। आज फेरे पड़ने वाले थे, मगर दारोगा जी, आप अभी किस लोकनाथ का जिक्र कर रहे थे? क्या वही जो नंबर 3 गार्डन लेन में रहता है, बहुत मालदार है? जी हाँ, वही। अच्छा, तब मेरा ख्याल गलत था। दारोगा जी, जल्द कुछ कीजिए, ऐसा ना हो कि लगन निकल जाए और रामदास का पता ना चले। ठहरिए, आप डिटेक्टिव हैं, मुमकिन है कि इस मामले में आपसे कुछ मदद मिले। हाँ साहब, क्या ख्याल गलत था? जी हाँ हाँ, मैंने हाल ही में एक संगीन मामले की जांच की है, जिसका मुकदमा चल रहा है। कल एक वजह से मेरा ख्याल हो गया था कि शायद उस मामले में लोकनाथ का भी हाथ हो, लेकिन अब इस बारात वाली वारदात से जाहिर होता है कि बात कुछ और ही है। क्या? इस वारदात के बारे में आप मेरी सलाह मानेंगे? जरूर जरूर। आप अभी दारोगा जी से कह रहे थे कि वारदात के वक्त आप बाबू रामदास के साथ थे। जी हाँ, उनके पास ही जो बैठा था। अच्छा, जिन बदमाशों ने आप लोगों पर हमला किया, अगर उनमें से आप किसी को देखें तो पहचान लेंगे? ख्याल तो है कि जरूर पहचान लूंगा। इसे पहचानते हैं? यही तो उन बदमाशों का सरदार था। आप सीधे जाकर लोकनाथ को पकड़िए। मगर ये लोकनाथ तो नहीं है। जी नहीं, ये लोकनाथ नहीं, बल्कि कई दफा का सजा याफ्ता एक नामी गुंडा है, जिसका काम है संगीन जुर्मों में शरीफ बदमाशों की मदद करके बड़ी बड़ी रकमें वसूल करना। यही गुंडा मेरे उस मुकदमे में मुलजिम है। अब सुनिए, लोकनाथ जो कि इस ब्याह पर खार खाए बैठा है, कल इस बदमाश को बड़ी जमानत पर छुड़ा ले जाता है, और आज ये बदमाश बारात पर हमला करके दूल्हा को उड़ा ले जाता है। अब बताइए, असली आसामी कौन है? लोकनाथ। चलो। बैठो बैठो दूल्हा साहब। अब ससुराल की फिक्र छोड़ दो, वहां हमारे मालिक गए हुए हैं, वो दूल्हा बनना तुमसे अच्छा जानते हैं। कुछ पियोगे? कुछ खाओगे? नहीं। आखिर ससुराल में भी तो खाते पीते। ससुराल दो ही होती हैं, जोरू का घर या जेल। अब इसी को अपनी ससुराल समझो प्यारे। मोतीलाल पुलिस में खबर देने चले गए और हम लोग सीधे यहाँ चले आए। हम लोग ढूंढ ढूंढ कर हार गए। रामदास को न जाने डाकू कहाँ पकड़ कर ले गए। ये भगवान, ये क्या हुआ? बाबूजी बाबूजी, ये घबराने का नहीं, विचार करने का समय है।
लग्न निकली जा रही है। इससे बढ़कर कन्या को दूसरी लग्न इस जन्म में न मिलेगी। क्या करूं? क्या करूं? किसी और योग्य व्यक्ति को कन्यादान दे दीजिए। इस लग्न को हरगिज न जाने दीजिए। अब चिड़िया जाल में फंसे बगैर नहीं रह सकती। मगर यार, नई रोशनी के लोग हैं, पंडित की बात न मानी तो? यहाँ कच्ची गोलियां नहीं खेले ब्रजनाथ। मैं इन लोगों को बचपन से जानता हूँ। मजाल है जो पुरानी लीक से जौ भर भी हट जाए, वो इस लग्न को कभी न जाने देंगे। घबराओ मत, बस लगन बीतने तक तुम्हें कैद रखने का हुक्म है, फिर चौकड़ी भरना पड़ते। लग्न बीतने तक? नहीं, तब तो वाह वाह, मैं तो खुद चाहता हूँ कि लग्न पर वहां ना पहुंचूं। क्यों भला? दरअसल ये ब्याह जबरदस्ती मेरे से मना जा रहा है और मैं इससे कोसों दूर भागना चाहता हूँ। अच्छा, अच्छा हुआ मालिक को पता न चला, नहीं तो हमें ये काम न मिलता। हाँ सरदार, तू यूं कहो ना कि मेरी वजह से तुम्हें इतना बड़ा काम मिला। और क्या, तब हम तुम दोस्त हैं। तुमने मुझे ब्याह से बचाया, मैंने तुम्हें काम दिलवाया। हाँ, तो ठीक है, ठीक है, लो मिलाओ हाथ दोस्त, आओ खाएं पिए मौज करें। खोल दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कहीं भाग न जाए। इतने बहादुरों में से भाग जाऊंगा मैं? खोल दो। मैं उम्र भर कुंवारी रह जाऊंगी, मगर किसी और से शादी न करूंगी। कहीं लोकनाथ की माँ की आत्मा तो न शराप रहे हो? मरने से पहले उसने मुझसे ब्याह का वचन ले लिया था। अभी कहीं यूं शाप लगा करते हैं चाची? चाचा जी उधर प्रोह जी की बातों में उलझ रहे हैं, इधर तुम शाप शाप कर रही हो। यूं वक्त खराब करने से क्या फायदा? लोग रामदास को क्यों नहीं ढूंढने जाते? चलता रहे सागर भी भरता रहे पैमाना, आबाद रहे साकी तू और तेरा मैं खाना, तू और तेरा मैं खाना, तू और तेरा मैं खाना। बीमार गमे फुरकत हूँ, जाम एक पिला दे। उजड़े हुए चमन को साकी तू फिर खिला दे, फिर जलवे जानाना साकी मुझे दिखा दे। बिछड़े हुए सनम से एक बार फिर मिला दे। चलता रहे सागर भी भरता रहे पैमाना, आबाद रहे साकी तू और तेरा मैं खाना, तू और तेरा मैं खाना, तू और तेरा मैं खाना, तू तेरा मैं खाना। रामदास, मोती। बाबू रामदास आप ही हैं? जी हाँ, ये आपकी आसामी है, इन्हें संभालिए। अब वक्त बहुत कम है, मुझे इजाजत दीजिए। चलो मोती। ठहरिए, हम भी चलते हैं। तीन जवान हमारे साथ आए, बाकी इन बदमाशों की निगरानी करें। चलिए। शराब ले, शराब। हाँ?
और भी कुछ सुना चाची? रोज ही इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ये लगन न जाने दी जाए, बल्कि निर्मला का ब्याह लोकनाथ से कर दिया जाए। लगन न हुई, बलिदान की बेदी हो गई। ये ब्याह निर्मला के लिए मौत से बढ़कर होगा। आप सोच विचार का समय नहीं। आपको झिझक मालूम होती है तो मैं लोकनाथ जी से जाके पूछ लूं। लेकिन पुरोहित जी, निर्मला की खुशी का भी तो। साहब, कन्या के लिए घर और बर देखा जाता है, सो लोकनाथ दोनों तो राज्य है। खुद आप ही ने यह सब देख के लोकनाथ को चुना था। फिर हमारी कन्याएं स्वभाव से सती होती हैं, विवाह होने के पीछे अपने को बिल्कुल पति के अनुकूल बना लेती हैं। जहां गृहस्थ में पड़ी वही उनका स्वर्ग, वही उनका संसार बन जाता है। बाबूजी, इस लग्न को न जाने दीजिए, नहीं तो पछताइएगा। ऐसा वर क्या आसानी से मिलता है? ठहरो, देखो क्या होता है। अजी, होता क्या है? अब निर्मला कुमारी है और तुम निर्मला को दो हो जाओ तैयार। तुम बार और हम बराती।
मन से मिल जाता है। क्यों आज मेरे हृदय का चमन है खिला हुआ, क्यों मन बीना का तार तार है मिला हुआ। मैं क्या जानू, किससे पूछूं, अपने दिल से। दिल कहता है चंद्रमुखी ने मन का कुमुद खिलाया है, बुलबुल ने अपना प्यारा गुल पाया है। जीवन था सूना, सूनी मन की बस्ती, मधुर प्रेम से तुमने इन्हें बसाया है। भोर हो गई। हाँ भोर हो गई। जग गए? आई वो सुई कब है? मैं तो जानू रात भर बात नहीं हुई थी। अच्छा हाँ हाँ, नई दुल्हन नई बहार। 10 बरस पहले मुझे भी एक नई दुल्हन ने बातों में रातों जगाया है। मैं क्यों जगाती, तुम आप जगे होगे। मैं तुम्हारी बात थोड़े कह रहा हूँ, मैं तो एक नई नवेली रंगीली अलबेली। शर्म नहीं आती ये बुढ़ापा और हाँ? हटो भी, वो जग रहे हैं तो मैं उन्हें चाय बना के दे आऊ। ठीक है, तू चाय ले जा, मैं फूल चुन के लाऊ। हाँ बहू रानी को फूलों का बहुत शौक है। मुझे मालूम है, वैसे यहाँ बहुत आए बहुत गए, पर जैसी जानकारी से बहू रानी ने मेरी फूलों की तारीफ करी है, वाह मेरा तुझे हरा हो गया। नीति और नीति, बाबूजी को और बहूजी को फूल देने जाएगी? हाँ। तो जल्दी उठ, नहीं तो बापू दे आएगा। मैं जाऊंगी। तो जा दौड़, बापू बगीचे में फूल तोड़ता होगा, जा। बापू मैं फूल ले जाऊंगी। ले मैं ले जाऊंगा। बाबूजी तुम्हारी थोड़े ही है, मेरी है। मेरी है, मुझे प्यार करे, तुम्हें थोड़े ही करे। कल मुझे बिलाई थी, मिठाई दी, खिलौने दिए, तुम्हें कहाँ दिए? लाओ लाओ। बड़ी अच्छी जगह है, शांत सुंदर अकेली। तुम यहाँ कब से हो मालन? जब से ब्याह को आई हूँ यहीं हूँ, कभी देश नहीं गई। हमारा तो यही देश यही घर है बहूजी, मालिक की कई पीढ़ियां यहीं बीत गई। यहाँ अकेले रहते रहते जी नहीं उगता। हम लोग तो पहले मैं आई बाबूजी, मैंने बापू को हरा दिया। अच्छा बापू ने कहा मैं फूल ले जाऊंगा, समय छीन ले लो। बड़ी रानी देखो तो कैसी प्यारी है नित्ती, इसके होते हुए किसी का जी उब सकता है? ठहरो यूं ही रहना, हिलो नहीं, हिलो नहीं नित्ती। बालक के साथ निर्मला कैसी सुंदर मालूम होती है। माँ का रूप स्त्री का सच्चा रूप है, इसी रूप में वो सबसे भली मालूम होती है। निर्मला सदा से बच्चों को चाहती है, बच्चों के पीछे बूढ़े माले से कैसी लड़ा करती थी। वहां भी एक माली का बालक मिल गया। सारी तस्वीरें माली के कुटुंब की और अपनी ही भेज दी हैं।
मालूम होता अड़ोस पड़ोस में और कोई नहीं रहता, जगह सुनसान है। हाँ, डाक अखबार भी मुश्किल से पहुंचते हैं, इसीलिए मैंने रामदास की माँ से कहकर इन्हें वहां भेजवाया था कि जब तक लोकनाथ का मामला न दब जाए तब तक वही रहे। लोकनाथ के मुकदमे का फैसला हो ही गया, अब जल्द ही आपके बेटा बहू आपके पास पहुंच जाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं। सुना? अच्छा तो नमस्ते। सुन तो, मेरे जी से ये खुटका नहीं जाता कि कहीं फिर न लोकनाथ मेरे बच्चे को किसी मुसीबत में डाल दे। नहीं चाची, जेल में से लोकनाथ क्या कर सकता है? जब छूटेगा तब। अजी वो वक्त किसने देखा है, आपको मालूम ही है कि उस डिटेक्टिव के ये साबित कर देने पर कि लोकनाथ का हाथ कई और संगीन मामलों में भी था, अदालत ने उसको लंबी सजा दी है, अब तो शायद कभी उसकी सूरत भी दिखाई ना दे। आप बेफिक्र रहें। सुना? मुझे इसकी बड़ी याद आएगी, इसे तो मुझे दे दो। ले जाओ बहुरानी, हम डाह के भाग से बच जाएंगे। बड़ी भागवती है बहुरानी, बालकों पे इनका जैसा प्यार है, भगवान इनकी गोद जल्दी भरेगा। बाबूजी, हमें जरूर खबर करियो, तीर फाके करके इजाफत खाने आएंगे। छुट्टी हो गई? नहीं, एक जरूरी खत लिखना है। किसको? माली को। माली? हाँ, उस बंगले का जहाँ ब्याह के बाद हम कुछ दिन जाकर ठहरे थे। उसे क्या लिख रहे हो? याद नहीं, उसने कहा था बाबूजी हमें जरूर खबर करियो, तीन फांके करके जाफत खाने आएंगे, सो उसे खबर कर रहा हूँ। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? निर्मला देवी की सखी है प्रमिला देवी, और उनकी सखी है बाबू मोतीलाल की बहन, और बाबू मोतीलाल हैं बाबू रामदास के दोस्त, समझी? प्रमिला, चुड़ैल ने मुझसे वादा किया था कि किसी से न कहूंगी, आए तो सही मरी का मुंह नोच डालूंगी। जरूर, अगर प्रमिला देवी न होकर देव होती तो मैं भी इस भले काम में आपकी मदद करता। आज कॉलेज में लड़कों ने नाक में दम कर दिया, कोई कहता था बेटी का बाप, कोई बेटे का बाप। अच्छा हुआ मैंने कॉलेज छोड़ दिया। हाँ, बहुत अच्छा। नहीं छोड़ो, छोड़ो। प्रमिला कहती थी निर्मला को बेटे की आस है, भगवान उसकी आस पूरी करे। बहू जी, रामदास और निर्मला दोनों के जन्म पत्रों में बेटे का ही नहीं पोते का भी योग है। अच्छा? हाँ, भगवान ने चाहा तो आप नाती पोतों को गोदी खिलाएंगे। तुम और मैं और मोना प्यारा, घरवा होगा स्वर्ग हमारा। तुम और मैं और मुन्ना प्यारा, घरवा होगा स्वर्ग हमारा। मुन्ना की मीठी हंसियों से नित पूजेगा स्वर्ग हमारा। मुन्ना की मीठी हंसियों से नित गूंज।
लीजिएगा स्वर्ग हमारा। मुन्ना स्याना हो जाएगा, चुनमुन से तो अल्लावेगा। मुन्ना स्याना हो जाएगा, चुनमुन से मुन्ना की हंसियों से फिर गूंजेगा स्वर्ग हमारा। छोटे मुन्ना की हंसियों से फिर गूंजेगा स्वर्ग हमारा। जीवन की इन मधु लहरों में नित झूलेगा स्वर्ग हमारा। जीवन की इन मधु लहरों में नित झूलेगा स्वर्ग हमारा। तू और मैं और मुन्ना प्यारा घरवा होगा स्वर्ग हमारा। डॉक्टर साहब फिर देखने गए हैं, देखो क्या फैसला करते हैं। भगवान ही मालिक है। मेरी वही राय है जो पहले थी, बच्चे के बचने की कोई उम्मीद नहीं। मां मुमकिन है फौरन ऑपरेशन करने से बच जाए, कहिए ऑपरेशन किया जाए। डॉक्टर साहब इतने गंभीर क्यों थे? क्या बात है मां? ये किसके लिए तैयार कर रही हो? आपके नाती के लिए। अच्छा, निर्मला फिर आशावंती है। अच्छा, इस दफा परमात्मा उसकी आस पूरी करे। पर अब की बार वो घबरा बहुत रही है। क्यों? पिछले दफे का डर दिल में बैठा हुआ है ना? अजी, उस बात को 3-3 बरस होने को आए, लड़की बालियों के दिलों पर भला इतने दिनों तक असर थोड़ा ही रहता है। तुम्हें मालूम है उसे बालकों की कितनी चाह है। बेचारी के पहला ही तो बच्चा हुआ था, सो वो भी मरा हुआ। अब की दफा जैसे जैसे दिन चढ़ते जाते हैं उसकी घबराहट बढ़ती जाती है। जब बच्चे का मुंह देखेगी सब दुख दर्द भूल जाएगी। भगवान करे इस दफा मेरी बच्ची
हाथ पांव से छूटे। आशा, आशा का क्या भरोसा, एक तार है फिर टूट जाए। ये कभी नहीं टूटता निर्मला, ये तार जीवन का आधार है। इसी को टूटना होता तो तुम्हें नया जन्म क्यों मिलता। करने का क्या काम बंदे जीवन है संग्राम, बंदे जीवन है संग्राम। मैदान बंद जीवन के मैदान, सेज नहीं फूलों की दुनिया, कांटों की आखान बंद, कांटों की आखान। हिम्मत से काम बंदे जीवन है संग्राम, बंदे जीवन है संग्राम। जो डरता सो मरता बंदे, जीता जो लड़ता बंदे, ले हिम्मत से काम बंदे जीवन है संग्राम, बंदे जीवन है संग्राम। मुझे शक्ति दीजिए, मैं आस न छोड़ूंगी। फिर मेरा बच्चा निर्मला। ओ निर्मला बेटी, मैंने इतनी आशा, इतनी प्रार्थना की, फिर ऐसा क्यों हुआ मां, क्यों हुआ? पिछले जन्म से आपकी माताजी पर शाप है, जिसके कारण आपके बच्चे नहीं जी सकते। तो क्या अब की बार भी मुझे बालक का मुंह देखना नसीब न होगा? नहीं नहीं, मुझे विश्वास नहीं, ये सब गलत है। मैं तो खुद चाहता हूं कि ऐसा ही हो, लेकिन क्या करूं, ज्योतिष गलत नहीं हो सकता। महाराज, क्या इसका कोई उपाय नहीं?
संभव है यदि ये अपनी माता को त्याग दें या आप अपने पति को। नहीं नहीं, ये सब बकवास है। अगर ये बातें सच होती तो दुनिया के घर उजड़ जाते। चलो। मैं बच्चे को न मरने दूंगी। बच्चा, हमारा बच्चा जीने के लिए पुकार रहा है। मैं उसकी पुकार दिन रात सुनती हूँ। मैं जाती हूँ सदा के लिए। एक शब्द भी न बोलोगे, एक मीठा प्यारा शब्द। नहीं नहीं, तब न जा सकूंगे। बच्चा न बचेगा। मैं जाती हूँ। जाती हूँ। आशीर्वाद दीजिए कि हमारा बच्चा जिए जागे। Thank you.
निर्मला, निर्मला, तो नहीं आई। ये क्या कह रहे हैं? रामदास, रामदास, क्या है? क्या हुआ? क्या हुआ? निर्मला, निर्मला का कहीं पता नहीं। संभव है यदि ये अपनी माता को त्याग दे या आप अपने पति। पूरी उम्मीद थी कि शहर में या आसपास कहीं ना कहीं उनका पता जरूर मिल जाएगा, लेकिन जब यह साल नदी में एक पत्थर से अटका हुआ मिला तो तरह तरह के सुबह दिल में गुजरने लगे। उस पर उनका नाम लिखा हुआ, हमने नदी के आसपास का चप्पा चप्पा छान मार, लेकिन उनका कहीं पता ना मिला। आखिर मजबूर होकर इस नतीजे पर पहुंचे कि तूफान के अंधेरे में रास्ते से भटक कर वो नदी में गिर गई और पानी के जोर में बह गई। मैंने ही निर्मला की हत्या की। न मैं उसे उस जोगी के पास ले जाता, न ऐसा होता। कोई भले घर की है, यहां कैसे आई? जीती है कि मरी? जीती है। सुनो तो, सुनती हो? होश नहीं बिचारी को। डरो ना, मुझसे कोई तुम्हारा भेद न जान सकेगा। अच्छा तो अब तुम्हारे लिए थोड़ा दूध गरम कर दें, पेट बड़ा गुंदेगा, बालक में भी जान आएगी। दुख सुख का है नित का नाता, एक जाता एक आता, बंदे एक जाता एक आता। सर्दी गर्मी सूखा बरखा रैन दिना से काम बंदे जीवन है संग
मत से काम बंदे जीवन है संग्राम बंदे जीवन है संग्राम। लो पी जाओ। ये गाना मैंने सुना है। सुना होगा, मेरे बाबू इसे गा गा कर भीख मांगा करते थे। तुम्हारे बाबू कहाँ हैं? मर गए बेचारे, मुझे अकेली छोड़ गए। अब ये गाना ही उनकी यादगार है। उनके बिना अब ये जगह सुनसान हो गई है, अब यहाँ जी नहीं लगता। तब कहाँ जाओगी? यहाँ से आगे चलकर गरीबों की एक बस्ती है, जहाँ बहुत से भिखारी रहे हैं। सोचूं वहीं चली जाऊं। तुम्हारा क्या विचार है? मैं भी अकेली हूं, कहीं चली जाऊंगी। मेरे ही साथ चली चलो ना, वहां हम दोनों एक मड़ैया डालकर आनंद से रहेंगे। मेरी खोज हो रही होगी, वहां पता चल गया तो? अजी बड़े घर की बहू बेटियों को कौन भिखारियों में देखने आवे? ना भिखारियों में किसी को मतलब, कौन आया कौन गया। तुम भी मेरी तरह भिखारन बनकर चलना, सुना? अब तक पिताजी की देखभाल करती रही, अब तुम्हारी करूंगी। दोनों के दिन कट जाएंगे, बोलो चलोगी? चलूंगी बहन, तुम्हारे पिताजी ने मुझे आस दी थी। क्या अजब है तुम्हारे आश्रय में वो पूरी हो जाए। एक खिलाड़ी फिर से पांसा, जब तक सांसा तब तक आसा, ले हिम्मत से काम बंदे जीवन है संग्राम, बंदे जीवन है संग्राम। क्या बात है आज, ये नाच रंग के ढंग कैसे जम रहे हैं? मालूम नहीं, हमारी बस्ती में लड़का हुआ है। लड़का किसके? वो नई भी करे निम्मी आई है ना, उसके। अच्छा अच्छा, चलो एक अदद और बड़ा, मांग के खिलाएगा ही, कुछ ले तो जाएगा नहीं। और क्या, जब तक छोटा रहेगा उसके नाम से मांगा खाएंगे, बड़ा हो जाएगा जब आप मांग के लाएगा। ये हमारा दस्तरी ठहरा। हाँ हाँ, तेरे आश्रय में मेरी आस पूरी हो गई। भगवान हमारा मुन्ना जुग जुग जिए, मेरा कुमार ने कन्हैया। Thank you.
आशीर्वाद दीजिए कि हमारा बच्चा जिए जागे। बावली, ये रोने का समय है? जरा बाहर तो देख कैसा आनंद हो रहा है। बिंदी, आज मेरी तरफ से सबको खूब खिला पिला ले। वारी, इत्ते का क्या होगा? इतनी बढ़िया चीज ये दे देना। नहीं नहीं बिंदी, इसे कैसे दूं? ये उनकी यादगार है। ना तो लगा दिया कर भी लल्ली, कहीं नजर लग जाए तो। तुझे बच्चे पालने का भी शऊर नहीं तो तू पाल ले, ऐसे ही तो होगा। ला, वाह, मैं क्यों दूं अपने मुन्ना को? जाएगा मौसी के पास? ना, माँ का बेटा है, माँ बेटा खेलेंगे। चात चात नीत नीत।
आए ना। ओ पारा पाला, ओ, ओ नहीं आता तो मत आ। मैं संक्रांत के मेले में जाऊं, तुझे नहीं ले जाऊं। हाँ रे निम्मी, सब कोई स्नान को जाए, तू बेचारी रात से पहले बाहर ही नहीं निकल सकती। खैर मैं तेरे और मुन्ना के लिए जल लेती आऊंगी। बिंदी मैं तेरा गुण कभी नहीं भूल सकती पगली। अब सो जा बेटा, चोएगा देख वो आए निन्नी पारी। रामदास। हाँ माँ। बाहर जा रहे हो? हाँ। कब लौटोगे? क्या पता, क्यों? बेटा आज संक्रांत है, मैं व्रत रखूंगी, पूजा करूंगी। इस तरह दिन भर बेकल घूमने से क्या फायदा, ध्यान बटाना चाहिए। आओ आज तुम भी मेरे साथ पूजा कर लो। पूजा? माँ मैं कितनी दफा कह चुका हूं, पूजा पाठ मुझ जैसे पापियों के लिए नहीं। मैं हत्यारा हूं, क्या मैंने निर्मला की जान नहीं ली? भगवान क्या मेरे बच्चे को शांति न मिलेगी? क्या मेरी सब पूजा प्रार्थना बेकार जाएगी प्रभु? संक्रांत का महत्व है बाबा, कुछ दान पूर्ण करो, लिया दिया ही संग जाएगा। दाता दाता। तुम्हें खूब भीख मिल जाए, बस कहीं से एक बालक ले आई और उसकी दुहाई दे देकर भीख मांगने लगी। हम दिन दिन भर गला फाले और हमारी कोई नहीं सुनता। अरे तू नहीं चलेगी? संक्रांत का स्नान है, खूब दान पुण्य होगा। तेरे पास तो बालक है, तुझे तो बहुत भीख मिल जाएगी, पर हमें कौन देगा? सबको अपने अपने भाग का मिले है, मत चल, मैं तो जाऊं। कोई बालक मिल जाता तो थोड़ी देर को ले जाती। बिंदी कही थी निम्मी बीमार है, कोई आती जाती ही नहीं। देखो शायद दीदी। सुई है, अच्छा है, चुपके से उठा ले जाओ। निम्मी और मुन्ना के लिए जल ले जा रही हूँ। तुम जानो निम्मी बीमार है, कहीं आती जाती नहीं।
दाता दान करो भक्तों, दान करो। भगवान भला करे। दया करो मालिक, बालक भूखा है। निम्मी निम्मी, मुन्ना कहाँ है? ये क्या है? कहाँ उठ तो, कहाँ है मुन्ना? मुन्ना कहाँ है? यही तो मैं पूछूं, कहाँ गया मुन्ना, कहाँ गया मुन्ना? मुन्ना क्या हुआ, क्या हुआ? अभी थोड़ी देर हुई कि मैं दोनों को छोड़कर स्नान को गई, लौट के जो आके देखूं तो निम्मी सो रही है, मुन्ना गायब है। मेरा मुन्ना देखा है? नहीं तो। तुमने देखा है मेरा मुन्ना? घबराओ मत। मेरा मुन्ना कहाँ गया? मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना इसे जान से प्यारा है, ना मिला तो पागल हो जाएगी। जाएगा कहाँ, कोई भीख भीख मांगने ले गया होगा। मिल जाएगा, उसे समझा जाके। मेरा मुन्ना देखा है? नहीं। निम्मी, निम्मी, मेरा मुन्ना। हट पगली। नहीं, ये मेरा मुन्ना नहीं, मेरा मुन्ना कहाँ गया? मेरा मुन्ना, मेरा मुन्ना। निम्मी, मेरा मुन्ना मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। कोई बालक पे तरस खाओ, 3 दिन का भूखा है। ले। सुखी रहो दाता, भगवान तुम्हारा भला करे। ऐसा रोना बालक नहीं देखा, इतनी भूख नहीं दिलवाता, दिखता दिख करे। चुप चुप। हाँ, मारते क्यों बेचारे को? अजय रो रहे हैं, माँ के बिना रहता ही नहीं। ये तेरा बच्चा नहीं? नहीं, मेरी बहन का है। जब इतने बेदर्दी से मार रही है, कहाँ तेरी बहन? अजय वो तो मर गई है, इसे माँ बाप कोई नहीं है, मुझे ही पालना पड़े है। अपने पेट को तो मिलता ही नहीं, इसे कहाँ से लाऊं? तो ये बच्चा अनाथ है? हाँ जी, अनाथ है। इसे मुझे दे दे, मैं पालूंगा। तुम्हें दे दूंगी तो मेरे को भीख कौन देगा? मैं भूखों मर जाऊंगी। तेरे भूख का इंतजाम हो जाएगा। तू तो राजा है, तू तो बड़ा राजा है, कभी रोता नहीं, कभी बिलखता। और ये देखियो क्या कहती है, टिक 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 टिक। हाँ, वो कौन बोला? वो ये है घड़ी और वो घड़ा। ओ, 4 बज गए, चलो अब खेल जमावे, लोग इंतजार कर रहे हैं। तुम जने राजा और हम वजीर, तुम यहाँ बैठो, हम यहाँ। भगवान
इस बालक के ही बहाने मेरे बच्चे को शांति मिल जाए, आंखें बिछने से पहले मैं अपने लाल को एक दफा फिर सुखी देखना चाहती हूँ। आप, इनका नाम है चिड़िया रानी, ये बोलती खूब है, सुनो लो। और इनका नाम है झुनझुनदास, और इनका काम समझे लो। और इन्हें भी जानते हो, इनका नाम है बुलडॉग ड्रमंड, और ये गाते खूब हैं। जब तुम छोटे थे तो मैं तुम्हारे साथ खेल कूद में जी बहलाया करता था, अब तुम सयाने हुए तुम्हें अपने ही काम से फुर्सत नहीं, मैं किससे जी बहलाऊं? अब की तुम्हें ब्याह जरूर करना पड़ेगा, बहू आएगी, बच्चों की चहल पहल से घर फिर गूंजने लगेगा, मेरा खेल कूद भी चलता रहेगा। मुन्ना निचला तो रहता ही नहीं, कैसे खेती? देख बेटी, इसने आज 3 बार कोशिश की है और एक दफे भी मुन्ना का फोटो न खींच सका, और हमने एक ही दफा में खींच लिया। देख, है ना मुन्ने का फोटो? जी। तुम बताओ, इसी का तो है? तब तुम्हारा? जी जी हाँ, देखो है ना एक सी शकल? बिल्कुल। मुन्ना को खिलाते खिलाते मुझे अक्सर गुमान होने लगता है कि मैं तुम्हें खिला रहा हूं, वही नाक, वही नक्शा। ये अब तक कहां था, हमने तो कभी नहीं देखा। नहीं, आज यहां सैर को आते वक्त जब तुमने अपना कैमरा उठाया तो मुझे भी याद आ गया कि मैं भी कभी फोटो खींचता था। अब तो ये बढ़िया बढ़िया कैमरे चल गए हैं, उस वक्त मामूली होते थे, फिर भी देखो है ना। जी हाँ। दूधो नहाओ पूतो फलो दाता, भूखों को रोटी मिल जाए दाता। ले, ले, मुझे को दे दो, वो पगली है मेरी बहन। ले, सुखी रहो दाता। चल। क्या जिंदगी है बेचारियों की। मुझे उस पगली पर तरस आता है। दया करो दाता, भगवान भला करेगा। क्या? मेरा मुन्ना, बिंदी, बिंदी, मेरा मुन्ना मिल गया। छोड़, छोड़ मेरे मुन्ना को चुड़ैल। चोटी, चोटी तू। मैं अपनी झोपड़ी में मुन्ना को सुला रही थी, जरा आंख झपकी सो ये चुरा के ले गई। ये छोड़, छोड़। निम्मी निम्मी, ये तेरा मुन्ना नहीं है, दे गई है। मेरा मुन्ना, हाँ पगली, तेरे मुन्ने को खोए हुए तो एक मुद्दत हो गई, इतना छोटा कैसे हो सके है तेरा मुन्ना। ला, मेरा मुन्ना है, हट। मारो कमबख्त को, छीन लो बच्चा। नहीं नहीं बाबूजी,
इसे जरा शांत हो जाने दो, तब मैं इसे समझा दूंगी। आपके बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ेगी। बच्चे के पीछे तो एक मुद्दत से दीवानी फिर रही है, बच्चे के पीछे तो दुखिया ने घर बार छोड़ा। हाँ कहो कहो। मुद्दत की बात है कि एक रात भारी तूफान आया था। दूसरे दिन सवेरे अपनी झोपड़ी के सामने मैंने इसे बेहोश पड़ा पाया। अगर ये निर्मला का शाल नदी के किनारे न मिलता तो तुम अपनी सहेली को इतने दिन तक मुझसे न छुपा सकती। बड़ी सुंदर फ्रॉक है, तुमने ही बनाई है? जी। अब आए हो कॉलेज से? माता जी से दूर न रहा करो, याद नहीं बटंडा। कैसा निशान पड़ गया है। बेचारे को लड़के छेड़ते होंगे कि घर में झगड़ बैठे, सब बहू बंदरिया ने बकोट लिया। ये काम तेरे ससुर जी अच्छा जानते हैं। हाँ, देखूं कहीं भूल तो नहीं गया। मुन्ना पाल। निर्मला, याद है? तुम और मैं और मुन्ना प्यारा, घरवा होगा स्वर्ग हमारा। तुम और मैं और मुन्ना प्यारा, घरवा होगा स्वर्ग हमारा। मुन्ना की मीठी हंसियों से नित गुजेगा स्वर्ग हमारा। मुन्ना की मीठी हंसियों से नित गुजेगा।